तो आज हम डेज का तीसरा क्लास में हाजिर हैं। हम लोग नहीं, डेज का तीसरा क्लास करने वाले हैं। डेज का पहला और दूसरा दो क्लास हम देख चुके हैं, तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो देखा डेज है ना, इसमें तीन टाइप की हम बात किए थे। पहला टाइप हमारा था कि जब दिन चेंज था लेकिन मंथ और ईयर समान था, याद करो, मतलब एक महीना के भीतर की बात था। दूसरा मैंने देखा था कि जब डेट भी चेंज था, मंथ भी चेंज था, लेकिन ईयर समान था, मतलब एक साल के भीतर की बात था। और तीसरा टाइप जो हमारा होगा, जिसमें डेट चेंज, मंथ चेंज और ईयर भी चेंज होगा, नहीं माने किसी भी दिन से किसी भी दिन निकालना। ओके, तो हम टाइप एक और टाइप दो पढ़ चुके हैं, और टाइप तीन हमें पढ़ना है जब डेट मंथ ईयर तीनों चेंज हो। क्लियर? अगर आप पहला और दूसरा क्लास नहीं किए हैं, टाइप एक का टाइप दो नहीं किए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर है ना, प्लेलिस्ट खोल कर पहले ये दोनों वीडियो को है ना आप देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद टाइप तीन करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो इसको जानने से पहले एक बात और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों में ईयर चेंज नहीं था, यहां पे आपको आज का क्लास जो है टाइप तीन, उसमें ईयर भी चेंज है, वर्ष भी चेंज है। तो वर्ष को जानना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक वर्ष की जानकारी नहीं होगी, जब तक इस टाइप को भी हम नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम वर्ष के बारे में जानना चाहेंगे। ईयर आपका दो प्रकार का होगा, ठीक है। पहला जो वर्ष होगा वो होगा सामान्य वर्ष, और दूसरा होगा अधिवर्ष, ठीक है। पहला होगा सामान्य वर्ष और दूसरा होगा अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में आपको पता होना चाहिए कि फरवरी होती है 28 दिन का, और कुल इसमें दिन होता है 365 दिन। जब सामान्य वर्ष होगा तो उसमें फरवरी होगा 28 दिन और कुल 365 दिन। लेकिन अधिवर्ष, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर, क्या कहते हैं, लीप ईयर, जिसमें फरवरी आपका होगा 29 दिन का, मतलब फरवरी इससे एक दिन ज़्यादा होता है, और वर्ष में कुल दिन होगा एक दिन ज़्यादा होगा, तो 365 के स्थान पर 366 दिन। क्लियर? अब प्रश्न है कि ये लीप ईयर वर्ष कहते किसको हैं, ठीक है, ये लीप ईयर और वर्ष होता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान है ना, पहचान ये है कि जिस वर्ष में चार से भाग लग जाए वह वर्ष लीप ईयर होगा, वह वर्ष लीप ईयर होगा। लेकिन जिस वर्ष में चार से भाग लग जाए वह वर्ष क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगेगा वही लीप ईयर होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपको समझने में अगर दिक्कत होगा तो हम समझा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब, ऐसे जनरल वर्ष रहेगा तब उसमें चार से भाग लग जाएगा तो वह वर्ष लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ष शताब्दी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो उसमें चार से नहीं 400 से भाग लगना चाहिए, तब वह लीप ईयर होगा, ठीक है। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई कह दे, यहां से ध्यान दीजिएगा, 1984, ठीक है, 1900, या फिर और बोल दिया जाए
मान लीजिए 2004, 2022, 2022 या फिर मान लिया जाए 2100, है ना। आपसे पूछ दे कि इसमें कौन लीप ईयर वर्ष है, लीप ईयर वर्ष है, तो आप क्या कहें, ठीक है ना। 1984, 1900, 2004, 2022, 2100, इसमें कौन लीप ईयर वर्ष है, ठीक है। और भी ले सकते हो, जैसे 1984, 1986, है ना। इस प्रकार से कुछ ईयर दे दिया गया है, आपका सवाल है कि इसमें से कौन लीप ईयर वर्ष है। तो दोस्तों, लीप ईयर वर्ष तो वही होगा जिसमें चार से भाग लग जाए, जिसमें चार से भाग लग जाए। और अगर शताब्दी वर्ष में देखना है तो 400 से भाग लग जाए। शताब्दी वर्ष अगर होगा तो 400 से भाग लगना चाहिए, और जनरल वर्ष होगा तो 4 से। तो गौर करो, यहां पे 1984 कौन वर्ष होगा, 4 से भाग लग रहा है। 4 से भाग लगने का मतलब सिर्फ अंतिम दो अंक देखना ना, अगर अंतिम दो अंक 4 से कट जाएगा तो वह वर्ष भी 4 से कट जाएगा। तो 84 4 से कट रहा है, इसका मतलब 1984 भी 4 से कट जाएगा, मतलब यह लीप ईयर वाला वर्ष होगा, ठीक है। 1900 तो यहां पे तो 2 सुना है तो यह 4 से कट जाएगा, लेकिन यह लीप ईयर वर्ष नहीं होगा क्योंकि 1900 शताब्दी वर्ष है। क्या है ये, शताब्दी है। 1900, 1800, 1700, 1600, 2000, 2100, ये शताब्दी है। और जब शताब्दी होगा तो इसमें के से भाग लगना चाहिए, 400 से, ठीक है। तो क्या इसमें 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यह हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 4 से कट रहा है फिर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है ना। 2-0 है। यहां पर देखो 2004, ये भी 4 से कट रहा है, अतः यह लीप ईयर वर्ष होगा। 2022 अंतिम दो अंक 4 से नहीं कट रहा है, अतः यह लीप ईयर वर्ष नहीं होगा। 2100 शताब्दी वर्ष है, तो ये कैसे कटना चाहिए हमारा, 400 से कटना चाहिए, तो 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो लीप ईयर नहीं होगा। 1984 जनरल वर्ष है, 4 से देखो कट रहा है, 2184, अतः लीप ईयर होगा। 86 ये 4 से नहीं कट रहा है, अतः लीप ईयर नहीं होगा। तो क्या समझा कि अगर शताब्दी होगा तो 400 से चेक करना है, मतलब 1700, 1800, 1600, 1900, 2000, अगर ऐसा होगा तो कैसे चेक करना है, 400 से। और अगर उसके अलावा जो वर्ष होगा उसको कैसे चेक करना है, 4 से। बात आ गया होगा समझ में। आज जब लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन का, और कुल कितना हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इस पर ये क्वेश्चन भी आपसे करें तो बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चन भी आपसे कर देते हैं। चलिए लिखिएगा, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है। 29 फरवरी 1896 को हुआ है, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो बताओ कि अगला जन्मदिन कब मनाएगा, अगला जन्मदिन कब ये मनाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति अपना अगला जन्मदिन किस दिन को मनाएगा। यहां पे कर दो, किस दिन को मनाएगा या कब मनाएगा, ठीक है, बताओ। तो बहुत सा व्यक्ति कहेगा 1900 में, तो ध्यान रहे 29 फरवरी जब भी आएगा तो लीप ईयर वाला वर्ष में आएगा। इसका 29 फरवरी जब भी आएगा तो कब आएगा, लीप ईयर वर्ष पे आएगा। कहता है कि एक व्यक्ति अपना जन्मदिन 4 वर्ष के बाद मनाता है, तो उसका जन्म कब, कौन महीना के किस तारीख हुआ था, कौन महीने में हुआ था। तो बात स्पष्ट है, यहाँ पे 4 साल के बाद मनाने का मतलब यह हुआ कि 29 फरवरी को ही कोई ना कोई साल को हुआ होगा। लेकिन उस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा अलग है, 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो अगला जन्मदिन
प्लस चार करिएगा इसको में तो 1900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1900। तो 1900 भी आपका लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर है क्या? लीप ईयर नहीं है। अतः इस वर्ष भी फरवरी 28 दिन का ही होगा, मतलब 97 में भी 28 दिन का होगा, 98 में भी, 99 में भी और 1900 में भी 28 दिन का होगा। अब पुनः चार जोड़ोगे तो हो जाएगा 1904। यह वर्ष उसका मिलेगा लीप ईयर का वर्ष नहीं। और इस माह इस वर्ष में फरवरी होगा 29 दिन का, अतः वो अगला जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाएगा। बात आया समय में? नहीं आया। अगर क्वेश्चन हो कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ तो अगला जन्मदिन वह कब मनाएगा? तो आपका उत्तर होगा 29 फरवरी 1904 को मनाएगा, 1900 को नहीं मनाएगा। चार साल के बाद तो आना ही है लीप ईयर, लेकिन यहां पे चार जोड़ रहे हैं तो शताब्दी वर्ष आ गया। और शताब्दी वर्ष आने के कारण वह लीप ईयर तभी होगा जब उसमें 400 से भाग लगेगा। 400 से तो भाग लग नहीं रहा है, अतः लीप ईयर का वर्ष नहीं होगा। इस वर्ष में भी फरवरी 28 दिन का रह जाएगा, बेचारा फिर वंचित रह जाएगा। पुनः उसको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा और आएगा 1904 जो लीप ईयर का वर्ष होगा और फरवरी 29 दिन का होगा, अतः 29 फरवरी को अपना वो जन्मदिन मनाएगा। ऐसा व्यक्ति अभागा बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। चलिए, यह खुशनसीब होता है कि खर्च इसको 8 साल के बाद पुनः करना पड़ेगा। हम जैसे दोस्तों को 8 साल के बाद इसको बुलाकर खर्च करना पड़ेगा नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये आपका क्वेश्चन था, लेकिन हम इसकी चर्च नहीं करने वाले थे, हम तो यहाँ पे डेज की निकालने की चर्च करने वाले थे, तो इसे हम थोड़ा सा भी मिटाएंगे, ठीक है। आज का क्लास आपका कुछ लंबा होगा, धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं आज का मेन टॉपिक पे। आप लीप ईयर समझ गए होंगे, लीप ईयर जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, लेकिन अगर शताब्दी रहे तो 400 से भाग लगना चाहिए, है ना। ऐसे जनरल में 4 से भाग लगने पर लीप ईयर वर्ष हो जाएगा, लेकिन अगर शताब्दी की बात करेगा 1700 1600 1900 तो 400 से भाग लगना चाहिए, तब वो लीप ईयर का वर्ष होगा और उस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक टाइप 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप 3 के अंतर्गत मैंने बोला अभी जस्ट कि टाइप 3 में क्या देखना है, जब डेट भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो और ईयर भी चेंज हो, नहीं लेकिन डेट भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो, ईयर भी चेंज हो, लेकिन इसका भी अध्ययन हम दो पार्ट में बांट के करेंगे, ठीक है। पहला जो होगा उसमें होगा कि डेट समान हो, मंथ समान हो, सिर्फ ईयर चेंज हो, और दूसरा लेंगे जो रियल वैरायटी आपका जो है, डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज और ईयर भी चेंज। मतलब यहाँ पे भी हम दो टाइप में इसका स्टडी करेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। मतलब थोड़ा सा सुविधा के लिए, है ना, पहला टाइप लेंगे जिसमें डेट और मंथ समान होगा, सिर्फ चेंज होगा तो ईयर, उसके बाद हम रियल टाइप पे आएंगे जब तीनों चेंज होगा, ओके। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है ना। याद रहे हम पहले ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, है ना, उसके बाद हम देखेंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये सीख जाइएगा तो ये अपने आप बन जाएगा, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इस पे एग्जांपल लेते हैं कि 8/1/2018 दिन है सोमवार, सपोज मान लीजिए 8/1/2018 दिन है सोमवार, तो 8/1/1997 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 8/1/2018 आदि सोमवार हो तो 8/1/1997 को कौन सा दिन रहा होगा। गौर से देखा जाए, इसमें मैंने डेट समान लिया है, मंथ भी समान लिया है, सिर्फ चेंज किया है तो क्या किया है, ईयर, है ना। तो डेट और मंथ अगर समान रहे, सिर्फ चेंज रहे ईयर, तो कुछ नहीं करना है।
आपको पहले ईयर का अंतर निकालना है, माने दोनों के बीच कितना ईयर का अंतर है। कैसे निकालोगे? घटा लेंगे, आठ में से सात गया एक, ग्यारह में से नौ गया दो, क्लियर, इक्कीस साल। अब हम निकालेंगे ये दोनों के बीच लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितना है, है ना। तो लीप ईयर निकालने के लिए तरीका भी है, पहले आप काउंट करके हम सीख लेते हैं। जैसे 1997 और 2018 के बीच लीप ईयर होगा, है ना, तो 1997 तो लीप ईयर नहीं है, 1997 के बाद लीप ईयर आपका आ जाएगा 2000 के बाद 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016 और फिर 2020, तो 18 तक है आपका। मतलब 1997 से 2018 के बीच लीप ईयर की संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, कितना होगा 5। ऐसे भी कर सकते थे, 1997 तो लीप ईयर है नहीं, तो कौन हो गया 2000, 2004, 2008, 2012 और 2016, 18 की तो बातें कर रहा है, तो कितना लीप ईयर हुआ 5। अगर लीप ईयर निकालने में अगर दिक्कत होता हो तो इसका एक तरीका और है, ध्यान देना। यहां से लीप ईयर निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, लीप ईयर अगर ऐसे काउंट करने में मुश्किल होता है तो इस ढंग से भी लीप ईयर तुम निकाल सकते हो, है ना। 2018 के बाद का लेना है, के बाद का लीप ईयर लेना है, ठीक है। तो 2018 के बाद का लीप ईयर कौन होगा 2020, और 1997 के बाद लीप ईयर कौन होगा 2000। बस इसका अंतर निकाल लीजिएगा, कितना अंतर आ गया 20, इसमें 4 से भागा दे दीजिएगा, कितना आ गया 5, बस यही आपका लीप ईयर होगा, क्लियर। क्या होगा ये लीप ईयर होगा। चलिए तो लीप ईयर निकाल लिए, अब यहां पे ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो 21 और 5 कितना हो गया 26, 21 और 5 कितना हो गया 26, इसमें आप 7 से भाग दे लेंगे, ठीक है। तो 7 या 21 और शेष पता कर लेंगे, कितना शेष आपका आ गया 5, क्लियर। बस पुनः वही काम जो वहां पे करते थे टाइप एक में, टाइप टू में, शेष को दिए गए दिन में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। दिया गया दिन क्या था आपका सोमवार, तो सोमवार में इस 5 को या तो जोड़िएगा या घटाइएगा। जोड़िएगा कब, जब आने वाला हो, घटाइएगा कब, जब बीता हो। यहां पे गौर कीजिए, 2018 की तुलना में 1997 बीता हुआ है, क्या है बीता हुआ, तो ये शेष को क्या करेंगे घटा देंगे। 5 घटाने का मतलब आपको पता है 2 जोड़ना होता है, तो 2 जोड़िए, तो सोमवार में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, आपका उत्तर हो जाएगा बुधवार। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर नहीं आया तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्लियर। अगला क्वेश्चन में वो चीज क्लियर हो जाएगा, मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि अगर आपसे कह दे कि 8/1/1997 कौन दिन निकाले थे अभी जी, बुधवार, 8/1/1997 तीन बुधवार हो, तो मान लो कि आपसे कह दिया कि 8/1/1934 को कौन सा दिन होगा, रहा होगा, क्लियर। 8/1/1997 दिन बुधवार हो तो 8/1/1934 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ईयर का अंतर, ठीक है, कैसे घटा के, तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 3 गया 6, कितना आ जाएगा 63। उसके बाद क्या निकालिएगा लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालिएगा, तो एक तरीका है कि काउंट कर लीजिएगा और दूसरा तरीका है कि इसके बाद चलिएगा, तो 1997 के बाद कौन होगा 2000, लीप ईयर 1997 के बाद का लीप ईयर कौन होगा 2000, और 1934 के बाद का लीप ईयर कौन होगा जी 1934 के बाद का लीप ईयर 1936 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकाल लीजिएगा, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6,
कितना अंतर आया 64, इसमें क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 16। मतलब ये दोनों के बीच लीप ईयर कितना होगा 16 होगा। और अगर बाय चांस कभी संदेह लगे तो काउंट भी कर सकते हैं। देखिए हम काउंट करके देखते हैं, 1936 है तो हो जाएगा 36 44 48 52 56 67 64 68 82 84 92 92 के बाद 96, क्या होगा 3 6 9 12 3 15 1 16 लिप ईयर। ठीक है, उंगली पे भी आप गिन सकते हैं, कोई गरीब बात नहीं है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करना था, इसका योग निकालना था। तो 6 3 9 6 1 7 इसमें कैसे भाग देना है 7 से, अशेष पता करना है तो 11 7 77 शेष आपका कितना आ गया 2, शेष कितना आ गया 2। ये 2 को इस दिन में दिए गए दिन में या तो जोड़ोगे या घटाओगे। ठीक है, जोड़ोगे कब, जब आने वाला हो, घटाओगे कब, जब बीता हुआ हो। चलिए तो यहां पर देखा जाए, दिन दिया हुआ था बुधवार। ठीक है, चलो लिख देते हैं यहीं पे, बुधवार आपका दिया हुआ दिन था, तो ये शेष को क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे या घटाओगे। तब 1997 को दिया है और 1934 तो 97 की तुलना में 1934 बीता हुआ है, तब बीता हुआ का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे ये शेष को इसमें से घटा लेंगे। दो घटाने का मतलब क्या होगा, 5 जोड़ना भी होगा, दोनों में से कोई भी काम करिए। तो बुधवार में 5 जोड़िएगा तो आ जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, आपका उत्तर क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है, या 2 घटाइएगा तब भी सोमवार ही आएगा। देखो बुधवार में 2 घटाने का मतलब पहले चलना, तो बुधवार में पहले चलेगा तो कौन होगा मंगलवार, उसके पहले कौन होगा सोमवार। ठीक है, ये बात हम बता चुके हैं टाइप 1 में भी, इसका चर्च टाइप 2 में भी किए हैं। ठीक है, अगर टाइप 1 टाइप 2 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे भी हमने देख लिया, अगर किसी को दिक्कत है तो बोल देगा, जो भी बोलो मुंह पर बोलो, पीछे में मत बोलना भाई। नहीं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, है ना, 8/1/2018 दिन है सोमवार। ठीक है, लिख लो 8/1/2018 दिन है सोमवार। ठीक है, तो 8/1 ऐसा करो, 8/1/1952 को कौन सा दिन रहा होगा, 8/1/1952 को कौन सा दिन रहा होगा। चलो बनाओ, बनाना क्या है, डेट समान है, मंथ समान है, सिर्फ क्या चेंज लिए हैं ईयर, क्योंकि हम इस टाइप की बात कर रहे हैं, अगर ये टाइप सीख जाइएगा है ना तो अपने आप ही सीख जाएंगे हम लोग। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालना है, ईयर का अंतर, ईयर का अंतर 8 में से 2 गया 6, 11 में 11 में से 5 गया 6, कितना आ जाएगा 66। अब क्या निकालना है, लीप ईयर। ठीक है, एक बात बताओ यहां पे, ये लीप ईयर के चलते एक ऐड हम लोग क्यों करते हैं, है ना, लीप ईयर का अंतर को क्यों ऐड करते हैं, तो ध्यान रहे लीप ईयर वाला वर्ष में फरवरी एक दिन ज्यादा होता है, उसी कारण से जितना लीप ईयर आता है उतना ही एक ऐड कर लेते हैं। क्लियर, यहां पे 1952, अब बताओ कि फरवरी काउंट होगा तब ना लीप ईयर की महत्ता है, तो यहां पे 8/1/1952 माने 8 जनवरी 1952 से चल रहे हैं 8 जनवरी 2018, नहीं तो 8 जनवरी से चले तो 8 फरवरी, मतलब फरवरी भी इसमें आ रहा है तो 1952 भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना, ये भी क्या रहेगा इंक्लूड रहेगा, ये ध्यान देना तुम लोग। खैर निकालो, सोचना क्या है, यहां से चलो हम बोले हैं के बाद वाला लेना है, तो 2018 के बाद का लीप ईयर कौन होगा, हमेशा बाद का लेना, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो 18 के बाद का लीप ईयर होगा 2020 और 1952 के बाद नहीं चलना है, क्योंकि 1952 तो हमको लगता है 13 54, ये तो खुद लीप ईयर है, ये तो
खुद लीप ईयर है, अगर खुद लीप ईयर रहेगा तो यही ले लेना 1952। क्लियर? अब इसका अंतर निकाल लेना। तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, और अंतर में 4 से भागा दे देना, वही आपका बता देगा लीप ईयर। मतलब ये दोनों के बीच लीप ईयर कितना होगा? 17 होगा। चाहो तो काउंट करके देख भी सकता है, ठीक है? चलिए काउंट कर लेते हैं। 1952 है तो देखो 1952 हो गया, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 84 और 4, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 और 2016, 18 तक तो है ही है। तो ये हो गया 5 तिया 15, 16 17, कितना लीप ईयर हुआ? 17। ठीक है, इसमें 1952 इंक्लूड है, ध्यान देना है तुमको, है ना? अब क्यों ना हो भाई, फरवरी काउंट हो रहा है, फरवरी काउंट होगा तब उस ईयर को काउंट करना लीप ईयर वाला को। खैर हटाओ, योग करो 713 के 3 बाकी 1, 7 1 8, कितना आ गया? 83। अब इसमें 7 से भागा दो, तो एक बार 7 शेष कितना आ गया? शेष। अब ये शेष को क्या करोगे? दिया गया जो दिन है उसमें जोड़ोगे या घटाओगे, ठीक है? तो ये सोमवार में है ना, ये शेष को या तो जोड़ दो या घटा दो, वो डिपेंड करेगा पूछा गया डेट पर। तो देखो 2018 का दिया है, आज का दिया है, और 1952 बीता हुआ है, उसको पूछ रहा है, तब बीता हुआ पूछेगा तो घटा देना। तो ये शेष को घटा दो, शे के घटाने का अर्थ होता है एक जोड़ना, मतलब शे घटाने पर वही दिन आता है जो एक जोड़ने पर आता है। तो हमको कुत्ता थोड़ी काटा है कि शे बार काउंट करें, एक बार काउंट करके निकाल लेंगे। तो सोमवार में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? मंगलवार। आंसर क्या आएगा? मंगलवार। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल देगा, किसी को दिक्कत है? चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान देना दोस्तों। टाइप 2 और ए अगर आपके पास होगा तो ये वैरायटी को झटके में बना लीजिएगा, ठीक है? हम आपको सलाह देंगे कि आप बारी बारी से पहले टाइप 1 देखिए, फिर टाइप 2 को एक बार देख लीजिए, ना हो तो 2 बार देख लीजिए, और उसके बाद टाइप 3 का ए पार्ट देखिए, तब इसको बनाइए जो हम ए वैरायटी बताएंगे, ठीक है? जब ईयर भी चेंज तो है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बकवास का क्लास तो चलते ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन में 8/1/1952 निकाले थे आपके जी, 8/1/1952 मंगलवार हो, 8/1/1952 दिन मंगलवार हो, मंगलवार निकाले थे, तो 8/1/2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 8/1/1952 मंगलवार है, तो 8/1/2017 को कौन सा दिन होगा? चलो निकालो, क्या करोगे? डेट सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ केवल ईयर चेंज है, और हम बात भी कर रहे हैं केवल ईयर चेंज हो उसका, ठीक है? चलिए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, पहले वर्ष का अंतर निकालेंगे। निकाल लो, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6, कितना आ जाएगा? 65। अब लीप ईयर निकालोगे, है ना? लीप ईयर निकालने का सेम तरीका, 1952 के बाद का ले लेना है, तो 52 तो खुद ही लीप ईयर है, तो इसी को रख लेना है, लीप ईयर वाला वर्ष रहे तो उसी को रख लेना, नहीं तो बाद वाला। चलिए 2017 के बाद वाला लीप ईयर कौन होगा? 2020। क्लियर? अब इसका अंतर निकालिएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, अब इसमें 4 से भागा दे दीजिए, वही आपका लीप ईयर हुआ, कितना हो जाएगा? 17। दोनों के बीच का लीप ईयर 17। अब इसको ऐड कर लीजिए, 7/5/12 के 2 बाकी 1, 7/1/8, कितना आ गया? 82। अब यह जो अंतर आया उसमें कैसे भाग दे देना है? 7 से, एक बार लगाइए 1 2, फिर एक बार लगाइए, कितना आ गया शेष? 5।
अब ये शेष को क्या करोगे, तो दिए गए दिन में या तो जोड़ोगे या घटाओगे। तो देखो है ना, आपका दिन यहाँ पे दिया हुआ था मंगलवार, इसमें 5 को जोड़ना है या घटाना है वो डिपेंड करेगा पूछा गया डेट पर। तो 1952 पहले वाला 1952 वो दिया हुआ है और 2017 का पूछ रहा है, तो 52 की तुलना में 17 क्या है, आने वाला है। तो आने वाला है तो ये क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, आने वाला हो तो जोड़ेंगे। अब 5 जोड़ने का मतलब क्या होता है, 2 घटाना, मतलब 5 जोड़ने पर वही आता है जो 2 घटाने पे आता है। तो 2 घटाना सुविधा है तो 2 घटा लो, तो मंगलवार में 2 घटाओ, ठीक है। तो मंगलवार के पहले चलो कौन होगा, सोमवार, उसके पहले चलो रविवार, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार। आई बात समझ में? तो ऐसा है दोस्तों, इस पाठ को पहले तुम देख लोगे है ना, उसके बाद हम इसकी चर्च करेंगे, पहले इसकी पूरा प्रैक्टिस कर लेना है ना। टाइप 1 का भी ध्यान देना, टाइप 1 का भी, 2 का भी और 3 वाला जो अभी मैंने बताया ए वाला, ये तीनों को घर पे जाकर 5 बार 7 तो पहले प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको जब डेट भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो और ईयर भी चेंज हो, इसकी बात हम करेंगे जो इसी पे आधारित है, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए, तो इसका हम आज अधूरा क्लास ले रहे हैं, इसको हम अगले दिन पूरा करेंगे, ओके, ठीक है, समझ में आया। क्या कहते हैं टेलीग्राम, तो उसका लिंक हम दे चुके हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे चुके हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी पीडीएफ की आवश्यकता हो उसको आसानी से आपके पास बिना कॉस्ट के हम पहुंचा सकें। इतना दया आप हम पे कर दीजिएगा ताकि हम आपको पीडीएफ पहुंचा सकें, ठीक है। और अगर समझ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, है ना। आपका कमेंट्स का, सजेशन का बिल्कुल बेसब्री से, हाँ 100% बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। और हम अपने आप में सुधार लाने का भी प्रयास करेंगे, ओके, बाय बाय।